सज्जनों, पूरा विज्ञान और वैज्ञानिक इस बात को लेकर आपस में बटे हुए हैं। ऐसे बटे हुए विज्ञान और प्रकृति के नियमों पर आधारित विज्ञान से संसार की रचना करने वाले का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके लिए हमें तर्क के साथ साथ ठोस प्रमाणों की आवश्यकता है। अब ईश्वर है या नहीं, इस विषय से संबंधित अनेकों प्रश्नों के निष्पक्ष भाव से उत्तर खोजते हैं। प्रश्न: यदि संसार को बनाने वाला होता तो कभी अवश्य दिखाई देता, किंतु अब तक किसी ने नहीं देखा है। अतः संसार की रचना करने वाला नहीं है। उत्तर: किसी भी रिलीजन को मानने वाले इस प्रश्न का साधारण सा उत्तर यही देते हैं कि भगवान सबको दिखाई नहीं देते हैं। भगवान केवल अपने भक्तों और उस पर श्रद्धा रखने वालों को ही दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान केवल उसके पैगंबरों और अवतारों को ही देख सकते हैं। समीक्षा यह है कि इस उत्तर में तर्क और प्रमाण का सर्वथा अभाव है। विज्ञान के युग में अंधश्रद्धा का कोई स्थान नहीं है। बिना जाने किसी सुनी सुनी सुनाई बात को मान लेना मानव समाज के हित में नहीं है। आज प्रत्येक रिलीजन वालों की भगवान से संबंधित अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इन अलग अलग मान्यताओं के कारण मानव समाज अलग अलग रिलीजन में बट गया है। सभी अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझते हैं और बस फिर इन रिलीजन वालों में लड़ाई प्रारंभ हो जाती है। इसी अंधश्रद्धा के कारण करोड़ों लोगों का कत्लेआम हो चुका है। अतः संसार को बनाने वाले के बारे में तर्क और प्रमाणों से ठीक-ठीक जानकारी निकाल कर ही सभी मनुष्यों की एक मान्यता बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक उत्तर: जो लोग कहते हैं कि संसार का बनाने वाला नहीं है क्योंकि वह दिखाई नहीं देता है, ऐसे लोग विज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ अनजान कहे जा सकते हैं। आँखों में लगाया हुआ काजल भी दिखाई नहीं दे सकता है, फिर संसार बनाने वाला कोई दिखाई दे सकता है? दूध में चीनी मिला देने पर वह आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें अब चीनी नहीं है। ऐसे ही दिखाई न देने पर किसी पदार्थ का होना या न होना सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि आंखों से नहीं देखने वाले पदार्थों को मानने से इंकार करे तो अणु, परमाणु, वायु, आकाश, गुरुत्वाकर्षण, भूख, प्यास, सुख, दुख आदि को मानने से भी इंकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सत्ता ही नहीं है। वस्तु के विद्यमान होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष न होने में 8 कारण होते हैं, अर्थात अत्यंत समीप होने, अत्यंत दूर होने, ढका हुआ होने, इंद्रियों, कान, नाक, आंख, त्वचा, मुख आदि के दुर्बल होने पर मन का ध्यान उधर न होने, समान आकार वाले पदार्थ में मिल जाने, किसी शक्तिशाली पदार्थ से दब जाने तथा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण पदार्थों के होते हुए भी उनका साक्षात नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि जब तक संसार बनाने वाला दिख नहीं जाता हम उसको नहीं मानेंगे, अज्ञानता की बात है। वास्तव में संसार के प्रत्येक अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को वैज्ञानिक प्रमाण तथा युक्ति द्वारा सिद्ध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं के मिलने से बनी होती है। प्रश्न उठता है कि क्या परमाणु को देखा जा सकता है? इसका उत्तर 5 वर्ष पूर्व बीबीसी में छपे एक आर्टिकल में भौतिक के विद्वान देते हुए लिखते हैं कि परमाणु को आंखों से तो क्या किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है? जब परमाणु को देखने के लिए कोई यंत्र नहीं हो सकता है तो जिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से परमाणु बना है उनको देखने की बात करना ही मूर्खता होगी। विशेषकर इलेक्ट्रॉन की, अब ये तीनों तत्व भी क्वार्क से बने होते हैं।
क्वार्क के विषय में कहा जाता है कि इसको देखना तो असंभव है ही, बल्कि इसका पता लगाना व मापना भी अत्यंत दुष्कर है। ऐसा नहीं है कि क्वार्क ही संसार का सबसे छोटा तत्व है। जिन तत्वों से क्वार्क बना है और संचलित होता है, उनका पता लगाना तो अभी बाकी है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब वैज्ञानिकों ने भी इन सूक्ष्म तत्वों का को नहीं देखा, तो वो इनका प्रयोग करके इंटरनेट, टीवी जैसी तकनीक कैसे बना पाए? पॉल ब्रिंजा के शब्दों में, अनुमान प्रमाण से उन तत्वों के गुणों का पता लगाकर तथा प्रकृति के नियमों से वैज्ञानिक लोग उन तत्वों को प्रयोग में लेते हैं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ को आँखों से ही नहीं, बल्कि सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा नहीं जा सकता है। उन सूक्ष्म तत्वों को जानने के लिए उनको गुणों और कार्यों का पता लगाना पड़ता है। यही एकमात्र प्रक्रिया है कि किसी सूक्ष्म तत्व के बारे में जानने की वह उपस्थिति है या नहीं। अब आपको सोचने में अधिक समय नहीं लगेगा कि यदि कोई संसार को बनाने वाला है, तो वह संसार के सबसे सूक्ष्म तत्वों से भी अनेकों गुना सूक्ष्म होना चाहिए, ताकि वह सूक्ष्म तत्व के अंदर होकर उसे संचालित कर सके और सूक्ष्म तत्वों को भी बनाकर फिर उन तत्वों से संसार को बना सके। अब ये अणुपरमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सब जगह है, अर्थात सर्वत्र संसार की सभी वस्तुओं में है। यदि कोई संसार को बनाने वाला है भी, तो वह सर्वत्र सब जगह होना चाहिए, किंतु आज लोग भगवान को मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे कि रिलीजन के नाम पर लोगों को विज्ञान से दूर किया जा रहा है। भारत में एक महाविद्वान श्री कृष्ण जी हुए हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। भारत के आर्य लोग मानते हैं कि यह गीता ज्ञान लगभग 3150 ईसा पूर्व दिया गया था। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सूक्ष्मत्वात् द्विज्ञेय, अर्थात संसार को रचने वाला अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं, उसको गुणों और कार्यों को जानने से ही हो सकता है। आइए विज्ञान के इसी सिद्धांत के आधार पर संसार को बनाने वाले की खोज करते हैं। भगवान की खोज। यदि कोई आपसे कहे कि आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपका घर आदि सब अपने आप बन गया, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सब पदार्थ किसी ने बनाए हैं। एक कपड़े सिलने वाली छोटी सी सुई भी अपने आप नहीं बना सकती है। हमारे पास उपस्थित मोबाइल फोन के बनाने वाले को हमने नहीं देखा है, किंतु फिर भी हम जानते हैं कि यह किसी ने अवश्य बनाया है। इस बात से दो सिद्धांत आप जान गए होंगे कि कोई भी जड़ पदार्थ वस्तु अपने आप नहीं बन सकता है। किसी भी जड़ पदार्थ को बनाने के लिए किसी बुद्धिमान चेतन की आवश्यकता होती है। अतः कोई भी पदार्थ जो व्यवस्थित है, उसको व्यवस्था में लाने वाला अवश्य ही कोई होता है। एक बस, एक रेलगाड़ी, एक हवाई जहाज आदि को बनाने के लिए छोटे छोटे पदार्थों को बनाकर फिर उनको जोड़कर ही एक व्यवस्थित वस्तु बनाई जाती है। अथवा बिना रचयिता के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। अथवा यूं कहे कि रचना को देखकर रचयिता का अनुमान लगता है, जैसे कंप्यूटर को देखकर उसको बनाने वाला कोई है इस बात का पता लगता है, चाहे हमने उसके बनाने वाले को देखा हो या नहीं। अब इसी सिद्धांत से मनुष्य शरीर, जीव जंतु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह तथा पूरे ब्रह्मांड के विषय में सोचने का प्रयत्न करें। यह पूरा ब्रह्मांड व इसकी छोटी से छोटी रचना अत्यधिक व्यवस्थित तथा नियमों में बंधी हुई है। जैसे दीवार के पीछे से उठते हुए धुएं को देखकर दिखने वाली अग्नि का अनुमान लगता है,
वैसे ही ब्रह्मांड को देखकर इसके बनाने वाले का अनुमान लगता है। संसार के बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग लिखते हैं कि भगवान नहीं है, यह कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, या यूँ कहे कि इस व्यवस्थित संसार व नियमों को बनाने वाला अवश्य कोई है।